पर आए तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की जो है लेटेस्ट जो है ड्राइंग की अपडेट्स जो है आपको रेगुलर मेरे चैनल के थ्रू जो डेली इवनिंग में जो है लाइव क्लासेस भी चलाई जाती है 6:30 बजे, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो साथियों वीडियो को लाइक तो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दूसरे साथी भी जो है मेरे साथ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है बेहतर तरीके से जो है तैयारी कर सके। तो चलिए साथियों, जो आज का जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, आप अब तो क्या है साथियों जो कॉमन जो सिलेबस कर दिया गया है, जितने भी जो है इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, लिफ्ट मैकेनिक है, एक्सीलेटर मैकेनिक है, और भी काफ़ी ट्रेड है, उन सभी का जो कॉमन सिलेबस हो चुका है आपको पता होगा। और जो है आपका एग्ज़ाम है ड्राइंग का वो 50 मार्क का रहेगा और टाइम आपके 3 घंटे रहेंगे। ये प्रीवियस जो है क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आए हुए हैं, लेकिन सिलेबस तो साथ ही वही है, एक आधा जो आपका कोई चैप्टर कम या ज़्यादा हुआ है, तो लगभग जो है एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हैं साथी जो कोई क्वेश्चन जो पेपर है हमारा, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर सिंबल्स आए हुए हैं साथी, जो ये आज का जो हमारा सैम्पल पेपर है वो सभी सेकेंड ईयर की ट्रेड्स के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप की, क्योंकि फर्स्ट ईयर का है तो सभी का कॉमन रहता है, जिसके ऊपर मैंने एक पिछले भी वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देखिए। जो फर्स्ट ईयर के हैं छात्र इलेक्ट्रिशियन जो है इलेक्ट्रिकल ग्रुप के, यहाँ पर देख सकते हैं साथी सिंबल तो आपके डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, जितने भी जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, लिफ्ट मैकेनिक है, लिफ्ट जो है एक्सीलेटर मैकेनिक है, और भी काफ़ी ट्रेड्स हैं, तो सिंबल तो आपको एक करना ही पड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो है सिंबल आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं थोड़ा जूम करके आपको और बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर है, साइन वेव, ऑटो ट्रांसफार्मर, DPTT स्विच है, SCR, FET, ट्रायंगुलर वेव, UJT, 2 जो है इनपुट नैंड गेट है, जेनर डायोड, डायक मोफ जो है मोसफेट का है, PNP ट्रांजिस्टर का है, IGBT ट्रैक का। तो इसके अलावा भी और काफ़ी हैं, तो ये सिंबल्स तो आपको करने पड़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 20 नंबर के जो है ये एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सेकंड जो है डायग्राम जो क्वेश्चन है इसके ऊपर चलते हैं। तो ये इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में आया हुआ ड्रा द डायग्राम ऑफ द फ्लोइंग, तो ये दोनों ही आपको यहाँ पर बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेयर केस वायरिंग, तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ स्टेयर केस वायरिंग का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टिप बी जो है इसका पार्ट है टिपिकल मार्किंग प्लेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है साथियों draw the detail of internal diagram of ceiling bell and circuit diagram of working of ceiling bell on 24 volt battery, तो ये जो है ceiling bell भी काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि draw the schematic diagram of SCR based DC motor speed controller का, यहाँ पर आपको जो है schematic जो है diagram बनाना है, तो ये भी important है। और जो इसके अंदर fifth question है draw the freehand sketches of 3 जो है DC 3 पॉइंट जो है स्टार्टर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट जो है मोटर स्टार्टर का। तो ये तो था हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दी, इसमें आपका सिंबल रहेंगे, जैसे स्टेयरकेस वायरिंग हो गया 3 पॉइंट और 2 पॉइंट जो है मोटर स्टार्टर का रहेगा आपका, और आपका यहाँ पर जो है सीलिंग बेल जो है कॉलिंग बेल रहेगा, सॉरी साथियों कॉलिंग बेल का, और उसका सबके डायग्राम है। चलते हैं अपने सेकेंड जो है आपका पेपर, तो ये देख सकते हैं इसके अंदर भी आपके जो है ड्रा द बेसिक BIS सिंबल पूछे हुए हैं यहाँ पर, जो इंडक्शन मोटर विद शॉर्ट जो है सर्किट रोटर जनरल सिंबल पूछा हुआ है, बी में आपका जो है डायरेक्ट करंट मोटर और जनरल सिंबल, सी में सीरीज वाइंडिंग का सिंबल बनाना आपने, डी में इंडक्शन मोटर 3 फेज विद वाउंड रोटर के साथ, और ई के अंदर साइक्रोनियस जो है जनरेटर और जनरल सिंबल इसका, एफ में आपका है ट्रांसफार्मर टैप्ड जो सेकेंडरी, और जी में है AC जो है मोटर जनरल सिंबल बनाना है यहाँ पर आपका, और एच के अंदर आपका टर्न जो है ट्रांसफार्मर, और आई के अंदर है रिपल्शन जो है मोटर सिंगल फेस का आपका डायग्राम सिंबल रहेगा, और जे के अंदर है ट्रांसफार्मर मल्टीपल जो है सेकेंडरी का, आपने यहाँ पर जो है BIS के अकॉर्डिंग जो सिंबल बनते हैं वो आपको बनाने। तो 20 नंबर के साथियों आएंगे ही आएंगे, तो आप जो है पिछले पेपर में भी आपको मैंने दिखाया कि आपके सिंबल दिए हुए, और यहाँ पर भी आपको 10 जो है सिंबल यहाँ पर दिए हुए बनाने के लिए। तो
तो ये देख लीजिए साथियों, जो सेकंड क्वेश्चन है, ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर, ये फिर आ चुका है, तो काफी इम्पोर्टेंट है आपका, इसको आप जरूर कीजिएगा। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ स्टार डेटा स्टार्टर, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका स्टार डेटा स्टार्टर का जो है आपका स्केच बनाना है, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, तो इसको भी नहीं छोड़ना। और एक ये छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ इसके अंदर, लेकिन ये अब आपके सिलेबस के अंदर नहीं, प्रोजेक्शन का ये दिया हुआ था, फ्री हैंड स्केच ऑफ जो है प्लेन साइड एलिवेशन बनाना है, तो इसका अब जो है कोई तुक नहीं बनता है, तो आप ये देख लीजिए। अब फिर हम बात करेंगे एक और जो है तीसरा हमारा पेपर आज यहाँ सोल्व करेंगे हम, तो इसके अंदर भी देख सकते हैं साथियों कि BIS सिंबल फिर आ गए आपके, तो इसमें है PNP ट्रांजिस्टर है, जनर डायड है, SCR है, LED है, डायक है आपका, PNP ट्रांजिस्टर है, जनर डायड है, SCR, LED और जैक, तो ये आपको जो है यहाँ पर 10 नंबर के आए हुए हैं, तो ये पांच आपने यहाँ पर दिए हैं, तो पांच ही बनाने हैं, दो दो नंबर के हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि सेकंड में जो क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉर द फ्लोइंग BIS सिंबल, तो ये आपको सिंबल भी दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इनके नाम बताने हैं आपने, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पांच नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ये भी दो दो नंबर के रहेंगे। फिर चलते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रा द स्पेसिफिक डायग्राम ऑफ प्लेट अर्थिंग, तो ये भी साथ ही काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये भी आपका 15 से 20 नंबर का रहेगा प्लेट अर्थिंग का। और ये देखिए आप फिर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द सिमेट्रिक डायग्राम मैनुअल स्टार डेटा स्टार्टर का, तो ये भी आपको देखिए ना पिछले चैप्टर में पूछा हुआ था, ये फिर आ चुका है, ये देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर आपका ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ जो है ब्रीदर यूजिंग ट्रांसफार्मर, तो ये भी आपका देख सकते हैं 15 नंबर में आए हुए, तो काफी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने बताया, स्टार डेटा जो स्टार्टर रहेगा आपका, प्लेट अर्थिंग रहेगी आपके यहाँ पर, उसके अलावा जो है थ्री जो है DC 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कुछ एक जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो मैंने बताए थे आपको यहाँ पर, तो वो आप जरूर उसको नोट कीजिए और अच्छे से जो है टॉपिक को तैयार कीजिए। और इसी तरह से जो है इससे जो है आपके पेपर का एक और जो वीडियो बना कर लेके आऊँगा, उसमें जो नेक्स्ट जो और पेपर्स हैं तो उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप हमें, और आप जो है इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जो है चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और रेगुलर जो है अपडेट के लिए जो लाइव क्लासेस 6:30 बजे चलती है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट जो अपडेट के साथ मिलेंगे अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।